एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा प्रशासनिक पद है और इसके पीछे की वजह यह है कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया है और इस वजह से आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वीआरएस दरअसल वक्त से पहले सेवानिवृत्ति लेना। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, वीआरएस लिया है उमेश मिश्रा जी ने, कोई खास वजह इसके पीछे की और क्या है, पहले से पूर्व निर्धारित है या चौंकाने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल चौंकाने वाला एक निर्णय सामने आया है, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि कल भी डीजीपी जो अपराध संबंधी सीएम की बैठकों में शामिल रहे और यह जो व्यक्तिगत कारणों से इसमें एक आधार दिया गया है, उस कारण से वीआरएस लेना आधार बनाते हुए और वीआरएस कर दिया है, उनका आवेदन भी मंजूर कर दिया और इसी के साथ उत्कल रंजन साहू को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। तो यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय, क्योंकि ये मान सकते थे कि लगातार, और जिस तरह से उमेश मिश्रा के लगातार बयान सामने आ रहे थे कि इतने दिनों में उन्होंने जो लगातार कार्रवाइयां की हैं, जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने की को लेकर बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की, तो एकदम से ये चौंकाने वाला निर्णय। और आज के दोपहर बाद से ही उनका वीआरएस मंजूर हुआ। डॉक्टर ऋतुराज, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्या कोई अंदर खाने ऐसी खबर थी कि डीजीपी को बदला जा सकता है? देखिए, ये बार बार चर्चा आ रही थी सामने कि जैसे भाजपा भजनलाल सरकार अस्तित्व में आई है, ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा था बीजेपी का कि अपराध पर अंकुश लगाना, अपराधियों के जिस तरह से गैंग वार सामने आई या महिला अत्याचार की घटना सामने आई, तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी और जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो उमेश मिश्रा है उनको बदला जाएगा। इनका जो कार्यकाल था वो नवंबर 2024 तक था, तो और यह एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक स्वेच्छा से डीजीपी नहीं वीआरएस लेते हैं तब तक यह सरकार को हटा नहीं सकती उन्हें, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो आदेश पिछले दो तीन डीजीपियों के निकले उसमें यही बाकायदा आदेश में जारी किया था कि इनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा, जिस तारीख से ये पदभार संभालते हैं जी, उसके 2 साल तक कार्यभार रहेगा। ठीक है ऋतुराज, एक और सवाल, क्योंकि अमूमन जब इस तरीके से वीआरएस होते हैं, ऋतुराज अमूमन जब इस तरीके से वीआरएस होते हैं तो दो वजह होती है, एक तो किसी को बताया नहीं जाता, अचानक से वीआरएस लिया जाता है, उस स्थिति में भी सरकार कोशिश करती है कि बातचीत करे, दूसरा होता है कि बातचीत के साथ आपसी सहमति के साथ वीआरएस होता है और उसमें भविष्य के लिए कुछ छुपा होता है। आपको भविष्य में कुछ, आपको उमेश मिश्रा के लिए इस सरकार में कोई और पद दिखाई दे रहा है जिसके लिए वीआरएस से लिया गया हो? देखिए, इस तरह की कोई तस्वीर विजेंद्र अब तक कोई सामने नहीं आती, जितना चौंकाने वाला ये वीआरएस का निर्णय है उतना ही ये आगे की संभावना भी बहुत ज्यादा अप्रत्याशित, क्योंकि अभी कोई संभावना इस तरह की नजर नहीं आती है। जो मुख्य जो इसमें बात सामने आ रही है वो यही बात सामने आई है कि एक स्टैंड लिया है भजनलाल सरकार ने, कि यह स्टैंड लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी संभव कदम है वो उठाएगी, और जिस तरह से बीजेपी का एक मैंडेट था कि अच्छा जानकारी लग पाई ऋतुराज जी की कितने वक्त पर ये, कितनी टाइम पर ये वीआरएस के लिए एप्लीकेशन डाली गई और कितने मिनट या कितने घंटे में इसको अप्रूव कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया? देखिए ब्रजेंद्र, कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में ये सब प्रक्रिया पूरी की गई है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि आज भी जैसे जो सीएमओ में बैठकें हुई हैं उसमें भी डीजीपी का भी दखल रहा, लेकिन ये माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई है और कल ही जिस तरह से बुलडोजर चला है पहली बार, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि डीजीपी उमेश मिश्रा ही इस काम को आगे बढ़ाते हुए और ये ठीक है। ऋतुराज जी, अब जरा आईपीएस उत्कल रंजन साहू के बारे में बताइए, क्योंकि अब वो डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे, उनके बारे में जरा बताइए। देखिए, उत्कल रंजन साहू एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं
और अगर बात करें इनके पूरे प्रोफाइल की तो कई अहम पदों पर रहे हैं, और उत्कल रंजन साहू जो अतिरिक्त चार्ज के रूप में ये संभालेंगे, ये ध्यान रखना होगा ब्रजेंद्र हमको, क्योंकि वर्तमान में कौन से संपूर्ण चार्ज उनके पास है, अभी क्या जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं के रूप में ये संभालेंगे। और अभी ये डीजी और कमांडेंट जनरल होम गार्ड है, तो अगर इनके प्रोफाइल को हम देखें तो काफी विस्तृत प्रोफाइल नजर आता है। ये डीजी होम गार्ड रहे हैं और प्लानिंग मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर में डीजी रहे हैं, काफी बड़ा प्रोफाइल। कानून और नियम क्या कहता है कि कोई भी कितने लंबे वक्त तक अतिरिक्त चार्ज संभाल सकता है? देखिए इसमें यह कायदा रहता है कि सीनियर मोस्ट को ही अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है, जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है उसको अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिया जाता है, और उसका उसी तौर पर ये उत्कल रंजन साहू जो की वरिष्ठता में अगला सीनियर मोस्ट अधिकारी है उन्हें ये चार्ज दिया गया। अच्छा, उनकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, एग्रेसिव है या कैसी है? डॉक्टर ऋतुराज आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर इनके प्रोफाइल की बात करें ब्रजेंद्र, तो इंटेलिजेंस में रहे हैं और चीफ मिनिस्टर इंटेलिजेंस में एडीजी के तौर पर इन्होंने काम किया है, इसी तरह से प्लानिंग मॉडर्नाइजेशन और रूल्स इसमें इन्होंने काम किया है, तो ये अतिरिक्त चार्ज के रूप में ये भूमिका निभाएंगे। अच्छा, इसको पूरे पुलिस महकमे के अंदर बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसको वेलकम किया जा रहा है या सब हमारी तरह चौके हुए हैं? देखिए इसे स्तब्ध रूप में मान रहे हैं कि इस निर्णय से, अप्रत्याशित निर्णय से, अचानक जो निर्णय लिया जा रहा है, ये लिया गया है, इसे अप्रत्याशित रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं इस तरह का सिलसिला कोई सामने नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से अचानक डीआरएस लिया जाए। ठीक है, डॉक्टर ऋतुराज आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, एक अच्छी छवि मुख्यमंत्री की ये बनी थी कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव नहीं किए थे, लेकिन अब जो वीआरएस हुआ है इसमें आप मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पहले बातचीत की गई होगी, उनको फेवर में लिया गया होगा, तभी तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसको अप्रूव किया गया। देखिए विजेंद्र, थोड़ी देर पहले हमने खबर चलाई थी कि यूआर साहू का कद बढ़ सकता है, इवन डीजी बनाने की उनको लेकर उनको चर्चा थी कि उनको डीजी बनाया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी खबर थी। और दूसरी खबर जो है वो ये चर्चाओं में है कि नया सीएस कौन होगा, नया सीएस और मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव, और दोनों ही दिल्ली के ब्यूरोक्रेट होंगे, ये खबरें सभी के सामने चर्चाओं में है। लेकिन यूआर साहू को यदि लाया जाता है तो इसमें दो पक्ष हैं, एक तो उमेश मिश्रा गहलोत सरकार में थे, काबिल अधिकारी हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जानते हैं काबिल है, तो वीआरएस वाली जो बात है वो सामने है, और वो भी जानते हैं कि ज्यादा दिन वो भी नहीं रह पाएंगे, और एक समय होता है, समय के बाद दूसरे को आना होता है। लेकिन जब वीआरएस की बात सबके सामने है तो सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन ऐश्वर्य, डॉक्टर ऋतुराज मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नियम है कि डीजीपी को हटाया नहीं जा सकता, 2 साल कम से कम वो अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, और उनके पास नवंबर 2024 तक का वक्त था। देखिए यही बात महत्वपूर्ण थी, यही कारण था कि जो एक कवायद चल रही थी, और कई बार ऐसा होता है कि उनका वीआरएस मंजूर हो जाता है, मंजूर हो गया तो मंजूर होने के बाद भी उनके पास ऑप्शन बचते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार सरकार से दूसरे स्तर पर बात होती है तो कई महत्वपूर्ण जिम्मा दे दिया जाता है, वीआरएस के बाद भी महत्वपूर्ण जिम्मा मिल जाता है, लेकिन सरकार जो है, मैं हम पहले भी कह रहे थे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, आरपीएससी ही नहीं विजेंद्र, बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारी जगह होती है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं कि हम पहले से कहते रहे थे कि जिस दिन मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसके बाद कई अप्रत्याशित बदलाव देखे जाएंगे, और वो बदलाव बिल्कुल लोग चौंकेंगे भी, ऐसे बदलाव कई देखे जाएंगे, और ये भी ऐसे मानकर चलिएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में फैसले जो है उनमें आलाकमान से भी डिस्कशन किया जाएगा, और आलाकमान के नियमित तौर पर डिस्कशन लगातार चलता रहेगा। और एक और मैं अपडेट दे दूं इसी खबर के साथ, जो कि कल मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले फैसले दिख सकते हैं, नाम दिख सकते हैं कई चौंकाने वाले, और ये जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूआर साहू जो है
क्योंकि उमेश मिश्रा ब्राह्मण चेहरा थे, ब्राह्मण खुद मुख्यमंत्री भी है, तो कई बार जातिगत बैलेंसिंग वाली चीजें भी होती है। यूआर साहू अमूमन किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे अशोक गहलोत सरकार में कोई टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, वसुंधरा सरकार में कोई टॉप प्रायोरिटी पे रहा हो, तो यहाँ पर इनके इनको चुनने वही अधिकारी है जो दोनों ही सरकारों में रहे हो, तो उसमें चेहरे की बजाय पार्टी की सरकार गिनी जाती है कि बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार। तो अब ऐसे में यूआर साहू की सर्वाधिक चर्चा है, देखना ये होगा कि यूआर साहू या फिर कोई और, ये देखने वाली बात होगी कि जो स्थायी रूप से कौन होगा। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। अब खबर को बदलते हैं, खबर इसी पर रहेंगे। परीक जी सर बताइए भाई, वीआरएस ले रहे हैं और कब ले रहे हैं? जब मुख्यमंत्री दिल्ली है, जयपुर में भी नहीं है।